जिंदगी दी और मच्छर को सिर्फ 3 दिन की। मच्छर को कम वक्त दिया तो उसे ज्यादा स्पीड दे दी, इसीलिए मच्छर 3 दिन में सब कुछ कर लेता है जो कभी कभी इंसान 100 सालों में भी नहीं कर पाता। सोचिए, अगर हम इंसानों की भी उम्र 3 दिन की होती तो क्या होता। जब कोई बच्चा पैदा होता तो पैदा होते ही दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल से भाग जाता क्योंकि उसे स्कूल के लिए देर हो रही होती। कम वक्त की वजह से नए पैदा हुए बच्चे में इतना सिक्स्थ सेंस होता कि वो स्कूल पहुंचने से पहले अपना नामकरण भी कर लेता ताकि एडमिशन में प्रॉब्लम ना हो। जब बाप बच्चे के पैदा होने के बाद नौकरी पर जाता और वापस लौट कर आता तो बच्चा हमारी हिंदी फिल्मों की तरह जवान भी हो जाता और लड़की को लेकर दरवाजे पे खड़ा हो जाता, कहता, पिताजी पिताजी आशीर्वाद दीजिए अपनी बहू को। 3 घंटे बाद बेटा वापस आता और कहता, पिताजी पिताजी आशीर्वाद दीजिए अपने पोते को। जब जवानी में आदमी सोता और सोकर उठता तो पता चला खुद का चेहरा ही नहीं पहचान पा रहा क्योंकि रात से सुबह तक सोते सोते ही वो बुढ़ा हो जाता। अगर कोई लड़की 1.25 दिन की हो जाती और उसकी शादी नहीं हो पाती तो लोग तरह तरह की बातें करते। देखो तो लच्छू की बेटी 1.25 दिन की हो गई, फिर भी घर में बैठी है, जरूर कुछ चक्कर है। तब लोग तानों से बचने के लिए अपनी 15-15 घंटे की लड़कियों की शादी करा देते हैं। हर 20 मिनट में देश में चुनाव होते, हर 25वें मिनट में कुंभ का मेला लगता, किसी भी फिल्म की स्टोरी 45 सेकंड से ऊपर नहीं हो पाती, स्टैंड अप आर्टिस्ट सिर्फ स्टेज पर आता और बिना कुछ बोले ही चले जाता, जज जिसके पास कमेंट्स के लिए टाइम ही नहीं होता, किसी भी सीरियल की कहानी 8 सीन से ऊपर नहीं हो पाती और कुछ कुछ सीरियल्स तो अपने टाइटल दिखाते दिखाते ही खत्म हो जाते। थिएटर्स में सिर्फ फिल्मों के पोस्टर लगते और उतर जाते, लेकिन ऐसा तो आज भी होता है। जब तक आप सोचते हो कि ये फिल्म देखने जाना है तब तक वो उतर जाती है। और जितने देर मैं यहाँ खड़े खड़े बकबक कर रही हूँ उतने देर में मेरा बच्चा भी आकर अपना आइटम सुनाकर चला गया होता।